जी आवाम इस पे क्या कहते हैं, आवाम का रद्द अमल भी जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हमारे साथ अहदेदारान भी मौजूद हैं और इमरान मलिक भी हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो क्राइम बीट कवर करते हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या हाल है बेटा आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट कोई नहीं? सारा हेलमेट लेना है, अब नहीं है गुंजाइश पास तो हेलमेट अब कहाँ से लें? चल मेरा बेटा दो चार साल ठहर जाए। दो चार साल कहाँ से ठहर? अगले साल आना चले शाहबाज। सर सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब। बैग मिरर आपका एक लगा, दूसरा नहीं लगा हुआ, दोनों लगवा लें। हाँ, ये तो पेट्रोल नहीं मिला करेगा। ठीक है, मैं तो लाजमी रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। सीनियर सिटीजन है और वो सामने के चाचा, क्या हाल है? पान कड़ा खा रहे हो? ब्रिटिश बॉडी। हाँ शहजादा, मैनू दसो हेलमेट भी नहीं पाया, बैग मिरर भी कोई ना? हेलमेट घर रह गया। बैग मिरर बेचते सन? बैग मिरर के पिछे वेखने वाला शीशा, शीशा वो किस तरह वेंदे हो पिछे? शाबाश पान, फिर दो रखिया करो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कोई हाल नहीं, ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, इतनी खूबसूरत मोटरसाइकिल है यार, बैग मिरर किधर है? ये वाले नहीं है, मैं पेट्रोल नहीं मिला करेगा नेक्स्ट इस तरह? कोई बात नहीं, नेक्स्ट लगवा लेंगे। कैसे चलाओ, पानी भी चलाओगे? मैं कहा भाई लगवा लेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पानी भी चलाओगे? उनको कह रहा हूँ यार लो लो, कहता हेलमेट ये नया से आपा। मैं कहा यार अब लो को आप हासा को तो फिर लहदा बात। आप क्या करते हैं, सियाने लग रहा है बंदा? मेरे लंडा बाजार में मेरी शॉप है शहजादा। लेकिन बैग मिरर है, पानी तो नहीं चलानी मेरा बच्चा? शाबाश मेहरबानी। हाँ भाई हीरो, चार साल बाद हेलमेट है? चार साल बाद, चलो कोई नहीं, शाबाश, बहुत अच्छी बात। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर बैग मिरर वगैरह नहीं लगवाए? ये देखो लगे तो हुए हैं। ओए दो दो लगवाओ। तो दो लगे हुए हैं, और नहीं मिलेगा आपको किसने? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके भाई साहब? बैग मिरर लगवाए नहीं तो नहीं मिला करेगा? सैलरी मिलती है ना तो लगवाते हैं, पता नहीं था अभी। आपके रिस्क में बहुत इजाफा करे, सैलरी मिलेगी लगवा लेंगे। अल्लाह तुम इन्ना रिस्क दे कि पूरे लाहौर शहर में बैग मिरर लगवा के दो, ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है। बैग मिरर, बैक मिरर नौजवान ही लग रहे हो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। क्या सूरत हाल है, ब्लैक बैक मिरर नहीं लगवाया आपने? बैक मिरर लगवा लेंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल नहीं मिला करेगा? वो कर रहे हैं सारे लोग इकट्ठे होके, बड़े जो हैं शहर के बड़े आईजी साहब, सीटीओ साहब, कमिश्नर साहब, सारे मिलके मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये आपको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, फिर गड्डी पानी देते नहीं चलनी ना है। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, ये बैक मिरर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हेलमेट भी है इनके पास, इधर भी बैक मिरर्स हैं। देखिए आवाज है बैक मिरर का, बंदी जो है वो लोगों ने करनी शुरू कर देनी है। असल में एज अ शहरी हर बंदे का आइए मेरे साइट है कि खुद से वो काम कर इसके ऊपर अमल दरामद करे। ये हम आपने जो अवेयरनेस करवानी, ये तो हम आगाही दिला रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र शुक्र खैरियत है। मुझे बताएं हेलमेट भी नहीं है आपके पास, बैक मिरर भी नहीं है? देखें पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं तो यहाँ इन्होंने ना पेट्रोल देना बंद कर देना है, पानी पे गाड़ी चल नहीं सकनी, पता ही आपको। सर बहुत मेहरबानी आपकी, केयर करें, बहुत शुक्रिया। सुनना भी मना है, फोन सुन रहे हैं फोन। सर अस्सलाम वालेकुम, बैग मिरर नहीं लगाया आपने जी? वो पीछे देखने वाला शीशा नहीं लाया? नहीं लाया सर। क्यों? बस अल्लाह पाक ने अखा देती है, पीछे देखोगे अगे देखोगे किस तरह? चार दिन ही ना अखा दोस्त, अगे ही देख सकते हो। बैग से कोई आ रहा है तो कैसे पता चलेगा ना, लेन चेंज करनी है आपने, अपनी लेन में जा रहे हैं तो कैसे देखेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अखा दी, दो देखा ने होना, हेलमेट भी पा लिया, पेट्रोल भी डलवा लिया, तो हम की कर सकते हैं? इन्हें जादूगर इंसान हो, वेख लो पीछे, वाह 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 बहुत अच्छे। ये देखें जी इन्होंने बैग मिरर लगाए, बड़ी अच्छी बात है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत है, सेहत कैसी है आपकी, मिजाज तगड़े? मुझे बताएं बैग मिरर नहीं लगाया? लग जाएगा, पेट्रोल मिलना बंद हो जाना है, लगाएंगे इस तरह, ये खुद आपकी सेफ्टी है ना, इस तरह बेहतर हो जाएगा हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सर खैरियत है, सेहत कैसी है? पेट्रोल मिलना बंद हो जाना है अगर हेलमेट के बगैर और बैग मिरर के बगैर आप तशरीफ लाए तो औखा हो जाना बड़ा। ठीक है फिर क्या करेंगे सर? ठीक है, पानी पे तो चलता नहीं है पेट्रोल, पता ही नहीं, इंशाल्लाह हेलमेट का ख्याल रख लें हैं। चलें बहुत शुक्रिया, कानून की आप अगर करेंगे अमल दराम हो तो बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? भाई साहब ये बैग मिरर लगवाएं? बैग मिरर पड़े हुए हैं घर में, लगवा लेंगे। कोई लगवाएं नहीं तो पेट्रोल देना, उन्होंने बंद कर देना। कोई मसला नहीं, लगवा लेंगे हैं, सुबह ही लग जाएंगे। पानी पे तो मोटरसाइकिल नहीं चलता ना, आ जाएंगे, हमारे पास पड़े हुए उतार के रखे हुए। आप खुश रहे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, बैग से क्या ढूंढ रहे हैं भाईजान? सर ठीपे ढूंढ रहे हैं, ठीपे ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा सोच भी कोई नहीं, बैग मिरर भी, ये क्या सर? कोई बात नहीं है, बैग मिरर लगवाएं, बैग मिरर होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा।
हाँ जी वो ये तो अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, बैक मिरर लगवाएं। वालेकुम अस्सलाम जी। बैक मिरर लगवाएं, बैक मिरर पीछे देखने वाला शीशा नहीं होता। ठीक है सर। जेड़ा तुसी खुद आईना देखते हो कार खूबसूरत नजर आते हो, पीछे भी देखो ना की चल रहा है। इंशाल्लाह आप जब आगे जा रहे हैं स्पीड में पीछे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, वो जरूरी है। की बात है तो नहीं तो वो पता क्या होगा, ये आपको पेट्रोल देना बंद कर देंगे। ठीक है वो भी ठीक है, मतलब फिर खराब हो जाएगा। ठीक है फिर इमरान मलिक साहब ने फोन करोगे सानू पेट्रोल ले दो, इन्होंने फिर ले ही देना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? यार वो बैग मिरर लगाए। लगवा लूंगा सर। बाकी गल है ये मीटर भी लगा लो, पता लगे कितनी स्पीड से जा रहे हो। फ्री तो नहीं सब कुछ किया? मौत देखते तो नहीं आप हैं? चलो शाबाश मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पूछ रहे हैं कि एक बैग मिरर लगाया दूसरा नहीं लगाया। सर मैंने तो ये हैवी ला देना है। नहीं नहीं सर। अच्छा। नहीं 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 वो असल उसकी जो चूड़ी है ना वो खराब हो गई थी, वरना मैंने दोनों ये देखे, ये मैं इसके बगैर तो मैं चलता ही नहीं हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी सेफ्टी आपकी ये है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। इसको शर्म महसूस करते हैं वो, ये कहते हैं ये लगा के ना हमें शर्म महसूस होगी बैठने की। सबसे बड़ी सेफ्टी है, सबसे बड़ी सेफ्टी यही है। आपको पता चलता है बैग से कौन आ रहा है कौन नहीं है? इससे आप 100 में से 90% जो हादसा है ना बच जाते हैं, बचते हैं। अगर जो बंदा अपने बच्चों को ये मोटरसाइकिल बाइक लेके दे, सबसे पहले उनको ये कहेगा ये शीशे लगवा ले, ये आपके बच्चे आपके लिए सेफ्टी है। तो आजकल माँ बाप जो है ना वो इस चीज़ को तरजीह नहीं देते। अगर मैंने अगर आपने कोई सवाल उनको कहा तो आगे से वो गलत बात अदरवाइज पेट्रोल मिलना बंद हो जाना है। हाय मलिक साहब, हैवी बाइक, अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, कौन सा मॉडल है जी ये? जैसे ये है 2011 मॉडल है। मेरे ख्याल ये बैन तो बाद हेलमेट नहीं पाई था। नहीं हेलमेट अलाउ ही नहीं है, बुरा लगता है बंदा इस पे बैठ के। इम्पोर्टेंट चीज है, मेरी गड्डी दे रहे हो धुआ निकल रहे हैं, मैं धुआ के ले आ रहा हूँ। भाव नहीं करी भाव। इसके ऊपर खूबसूरती भी ये है कि आप हेलमेट पहन के बैठे तो ज्यादा खूबसूरत लगता है बंदा। हेलमेट क्यों नहीं इस पे बैठ के पहनते आप? यार मेरे पीछे रिहाइश है, मैं पेट्रोल डलवा के फिर घर वापस। लेकिन आप रोड पे है ना सर, राय जहाँ भी है दो शीशे भी हैं। चले इतनी खूबसूरत बाइक, इतने सोने आप, और ये मैचिंग आपने बाइक के साथ पहना हुआ है, पर फिर भी हैं। चल सॉरी यार, मैं जरूर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, बैक मिरर्स नहीं सर लगवाए? बैक मिरर्स इन्होंने पेट्रोल देना बंद कर देना है, फिर आपको मसला होगा ना। इसके बैक मिरर्स भी लगवाएं। ठीक है ना। पीछे कैसे देखते हैं फिर जब आप सफर करते हैं जी? जब सफर करते हैं तो बैक मिरर्स ना हो पीछे देखने वाला जो शीशा होता है साइड से ऐसे, नहीं वो पॉसिबल नहीं रहता ना। वो तो आपने जब देखना है तब ही देखना है, जब आपने लेन चेंज करनी है। वैसे भी देखें ना पीछे से ट्रैफिक का फ्लो क्या है, कितना आ रहा है, कोई लगने तो नहीं लगा आप में, क्या होने जा रहा है पता होना चाहिए ना। ये नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको लगवा, नहीं तो ये पेट्रोल देना बंद कर देंगे, पानी से चलना नहीं मेरा भाई है। ओके मेहरबानी। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि बैक मिरर सर है ही नहीं इधर, है बैक मिरर नहीं आपने लगाए? एक लगाया इधर भी है? मैंने वैसे ये लगाया हुआ राइट साइड पे देखने के लिए। और लेफ्ट पे इधर लेन नहीं चेंज करनी होती, उत्तों दी होगे देखोगे ये मोटरसाइकिल पे पुठे बैठ जाओगे, कमाल है यार। बाकी ये बात तो ठीक है, ठीक है ना, ये होना तो चाहिए। और पेट्रोल देना बंद कर देंगे फिर आप कहेंगे यार फोन करके यार मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम लोग खुद से अपने आप को गलत साबित करते हैं। हम लोग कानून की पारसाजी खुद नहीं करते और गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट गलत करती है। तो हाँ, कानून की पारसाजी खुद नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट के काम करता हूँ। बहुत अच्छी बातें आप करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे जी। ये सूरत हाल है जी, और यहाँ आप जहाँ भी चले जाएंगे जिनके साथ भी बात करेंगे एक ही इशू है, और ट्रैफिक पुलिस को इसका सख्ती से नोटिस भी लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? बैक मिरर्स नहीं आपने लगाए? सर बैक मिरर का तो मुझे पता है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन की मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, वायलेशन कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है इस चीज़ का। सर लाहौर हाई कोर्ट के अलावा भी हमें खुद ही अवेयरनेस होनी चाहिए, अपना जो है हमारा खास तौर पे जो ये है अपना जो ट्रैफिक रूल्स, अभी जो हेलमेट पे जो है पाबंदी करवाई है। बेसिकली मेरा काम भी इस फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल से। तो हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हेड इंजरीज जो है ना इसकी वजह से बहुत कम हुई। बैक मिरर से भी मसाइल होते हैं, बैक मसाइल वो उसी की आपसे बात कर, आपने बड़ी अच्छी की है कि ये आप अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ आप जहाँ भी चले जाएं मलिक साहब, यहाँ रिवाज नहीं है कि लोग जो हैं वो बैक मिरर लगाएं। 90% 99% आप जहाँ भी जाएं ये भजन देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कितनी स्पीड से नसांदे हो? 50-60। तो बैक मिरर चल रहा है? नहीं बैक मिरर नहीं आपने लगाए? वो सर वो कह रहे हैं जनवरी को शुरू होंगे ये। क्या जनवरी को शुरू होंगे चलाना वगैरह, तब लगाएंगे ये।
आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, आप सजा से बचने के लिए नहीं लगा रहे? सजा से बचने के लिए नहीं सुने, वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है ना। आपको कैसे पता चलता है कि आपने लेन चेंज करनी है, पीछे कोई है नहीं है, साइड पे कोई है नहीं है, स्पीड में जा रहे हैं ऐसे ऐसे, वो गलत है ना, वो रूल ही नहीं है, ठीक नहीं चला है ना। हेलमेट भी पहना है, आपको पता नहीं है। आपका पेट्रोल बंद हो जाएगा अगले दो तीन रोज बाद, पेट्रोल बंद हो जाएगा, आपको देंगे नहीं पेट्रोल, लगाएगा जो बैक मिरर नहीं लगाएगा उसका पेट्रोल बंद कर दीजिए। इस पे बड़े शहर के जो अहम सुतून हैं बहुत सारे इदारों के, वो मीटिंग कर रहे हैं इस पे, वो इंशाल्लाह लगाएंगे फिर, ठीक है, पेट्रोल बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। पानी पे तो बाइक नहीं भाई का चलता, नहीं ना चलता, चले मेहरबानी आपकी। फैज साहब साथ है, 12.5 लाख के करीब कोई कंजम्पशन है पेट्रोल की आपकी। अस्सलाम वालेकुम, तुहानू हेलमेट मना है? नहीं जी। क्यों नहीं पाते? बस ये रक्षे जी पा रही सवारी कितना बिठाइए। मैं भी सही है, तो यदा बैक मिरर भी नहीं लाया, पीछे किस तरह वेखते हो? पीछे हाँ, पीछे लाइट के जरिए ना। लाइट किस तरह? बस पीछे लाइट पैंती, रात में चलाई दा, तो दिन टाइम? दिन टाइम नहीं चलाई दा, सोई दा। तो जिदन दिन टाइम चलाना पैजे उस दिन शीशा ला लाँगे। शाबाश है, जादूगरी टकरे ने सारे। इशारा भी कोई नहीं है, देखें इशारा भी कोई नहीं लगा हुआ, और इशारे का तो मेरे इशारा चलता था कोई ना, कोई नहीं चलता जी। सर आवेगा हवा ही बिगड़ा हुआ है, ये आपका कुछ चलान नहीं करता? करता है, क्यों नहीं करते जी? लेकिन तुसी बाद नहीं आते? नहीं जी, बाद फिर किस तरह है? देख ले यार, देख ले, ये जो रिक्शा है ना, इसके खिलाफ जो इस तरह का जो रिक्शे हैं, इसके खिलाफ आईजी ने कहा था कि क्रैकडाउन करना है, लेकिन जो पिछला आईजी था वो चेंज हो गया, नए आईजी ने इस पे अभी कोई हुक्म नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, इनको बंद किया जा रहा है, ये सवारी के लिए मौजूद नहीं है, ये इससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो रेट नहीं है, ये तो आपने देख लिया है, रेट नहीं है आप, मैं चैलेंज करता हूँ इधर, 99% लोगों के बैक मिरर नहीं है। मैं वही जो कह रहा हूँ, रेट नहीं है, इंतहा है सर। रेट होती है कि चले 10% हो जाए, 5% रेट का लफ्ज ही ना लें। इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आपको जो फ्लैश बैक आ रहा है ना जी, ये चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माल रोड के लिए सख्ती की है, तो ये वो ट्रैफिक है जिनको ये सारे वो लोग हैं जो माल रोड से रिलेटेड है। मैं एग्री करता हूँ आप, बिल्कुल सही, इसी तरह ही। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? शुक्र। सेहत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास। सर इसके बैक मिरर भी लगवा लेते आप? लगवा लेंगे इंशाल्लाह, वो टूट गया। आप स्पीड में जब जाते हैं सर तो आपको खतरा इस तरह? क्यों, मैं नए लेके लगवाऊंगा मैं सर, 2-4 साल लग जाएंगे नवे लाने? नहीं नहीं, 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे सारे हैं इंशाल्लाह, पहली फुर्सत में। और ये आपकी सेहत है ना, देखें बैग पे आप देखेंगे, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूं पहली फुर्सत में। बहुत शुक्रिया, ये आपकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। यहाँ जी बैक मिरर शायद नहीं है, और पेट्रोल मिलना भी बंद हो जाएगा, पेट्रोल मिलना सर बंद हो जाएगा असल में। कोई बात नहीं सर, लगवा लेंगे। हाँ लगवा ले, नहीं तो पेट्रोल नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, सर बैक मिरर से नहीं लगाया आपने? बिल्कुल लगा रहे हैं, ये हेलमेट पहले से ही हमने शुरू किया हुआ, शुरू से ही। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, सेफ्टी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये मिरर जो है इसको बैक मिरर लगाएंगे ना तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी, बैक देखने में सहूलत रहेगी ना। आप फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं, पता नहीं चलता क्या होने जा रहा है, हमारी सेफ्टी के, अदरवाइज वो आप पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा आपको। जी बिल्कुल, ठीक है। इस तरह ये भाईजान भी हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी? बैक मिरर अगर लगा लें तो आपको आसानी हो जाए। इधर भी, इधर भी, एक ही है ना जी, आप इस पे तो राइट पे देख सकेंगे, लेफ्ट से नहीं कोई आपको ओवरटेक कर सकता? नहीं, ज्यादा तो लेफ्ट से, इधर राइट से ही ओवरटेक होता है ना। मोटरसाइकिलों का कोई कायदा नहीं है यहाँ तो, आपके ज़िगज़ैग और कोई डिसिप्लिन के तहत भी नहीं चल रही। मिरर का कायदा बना रहे हैं, उनको इसका भी कायदा बनाना चाहिए, वो तो बड़ा जरूरी है। जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, लेकिन गलत है ना कि उसका कायदा नहीं बना रहे, उस कायदे के चक्कर में आप अपना ना नुकसान करें, लेफ्ट पे भी मिरर लगाएं। हैं जी, जरूर, पूरे कानून पे सवालिया निशान लगाने की बजाय पहले लेफ्ट मिरर लगाएं। ठीक है सर, जरूर, फिर आप सवाल जरूर कर सकते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये वाला टूट गया है, बदलवाने हैं सर। भाई साहब 15 साल ना लग जाने बदलवाने, दस्ती है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है, और हेलमेट भी नहीं है। गुड गुड, अदरवाइज पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको? नहीं पता मैं, काम वड्डा पै चला जे। नहीं कोई, थैंक यू, ये सूरत है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी से, ठीक है आपके जी। ये अब रूल सर पक्का करने लगे हैं कि अगर हेलमेट नहीं है और बैक मिरर्स नहीं है, बैक मिरर्स तो आपके पास लगे हुए हैं, तो ये पेट्रोल देना ही बंद करेंगे? हाँ वो भी है, लेकिन घर में? नहीं नहीं घर में नहीं, इधर सर आप तो रोड पे है ना। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए, वो हमें, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये यहाँ की सूरत हाल है। भाईजान किधर है आपके बैक मिरर्स? किधर है? नहीं है। क्यों मिले ही नहीं साथ? पैन खरीद लो, 300 दे होने ने, ले लांगे हम, 15 साल लग जाएंगे, नहीं तो इन्हें पेट्रोल देना बंद कर देना, पानी दे अपनी गड्डी चलनी कोई नहीं है। नहीं इंशाल्लाह ले लेंगे, पक्की गल है, वादा हो गया, वादा, चलो वादा हो गया, चलो जी वादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाईजान? भाईजान वो बैक मिरर इधर वाला भी लगवाएं सर, किसी ने खोल लिया इधर वाला, इधर वाला खोल लिया जी। मैं बड़ा आप अफसरदा हूँ आपकी बात, उतार लिया इधर से, आप बड़ा अफसरदा हूँ आपकी बात सुन के, ऐ भी ना खुल जाए फिर, हैं और लो पहले। भाईजान मुझे ये बताएं कि ये कैसे सिलसिला
جو ہے وہ صحیح سمجھ جا سکتا ہے. اور یہ آپ رٹ کی بات کر رہے ہیں, رٹ کا لفظ ہی استعمال نہ کریں. یہ دیکھیں بیک مرر تو آپ جہاں تک ملک صاحب دیکھیں, مدثر صاحب بیک مرر تو ہے ہی نہیں. السلام علیکم سر. بھائی صاحب بیک مرر نہیں لگایا کیا؟ پیچھے دیکھنے والا وہ لگوا لیں گے آپ سے, آپ ذرا سیفٹی آپ کی بہتر ہو جائے گی نا, ہے نا؟ ادروائز انہوں نے پیٹرول ہی نہیں دینا آپ کو. کیوں؟ یہ قانون بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کب تک ہے؟ کب تک ہے جی؟ جب یہ قانون بن جاتا ہے پھر قانون قانون ہی ہوتا ہے. تو وہ ڈیٹ وغیرہ تو دیں گے نا, جب یہ اس ڈیٹ تک نہ لگے گا تو پھر اس کے بعد. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات, وہ آپ قانون کے ڈر سے کرنے کی بجائے کچھ بھی اپنی مرضی سے کروا لیں. ٹائم ہی نہیں ہے ابھی, یہاں سے چلے جائیں دو منٹ کا کام لگ. ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں؟ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 13 گھنٹے اس کے بعد جا کے سونا آتا ہے. 4 بجے اٹھ کے 5 بجے پھر ڈیوٹی. چلو اللہ آپ کو توفیق دے, کو 4-5 منٹ اپنے لیے نکالنے کے ہیں, ہم تو دعائی کر سکتے ہیں. بہت بہت افسوس ہوا آپ سے مل کے. السلام علیکم سر. سر آپ خیریت ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے سر. یہ لیفٹ والا بھی اگر آپ لگا لیں گے بیک مرر تو پیٹرول مل جایا کرے گا ان شاء اللہ. سیفٹی کی بات بعد میں, پیٹرول آپ کو مل جایا کرے. بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال, بس یہ کمانڈو دیکھو. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ ایک سے ایک بھر کے. خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے. بیک مرر کدھر ہیں؟ گھر پر ہے. بیٹا وہ لگاتے ہیں, گھر کیوں پڑے ہیں؟ لگا لیں گے اب انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ ہاں جی. اس سے پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا, فری ملے گا اس سے. ہاں پھر تمہیں فری مل جائے گا. شاباش. ہے